Okay, now tell me that हाँ, please help me find my car keys is which type of sentence? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। यहाँ नीचे जो ऑप्शंस है उसमें से ही करना है। इम्परेटिव। ओके, सलमान, व्हाट इज इम्पेरेटिव? व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? इंटेरोगेटिव क्यों होगा सलमान? इम्पेरेटिव सेंटेंस लाइक वी गिव कमांड। वेरी गुड। कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, कोई रिक्वेस्ट हो गई। हाँ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। हाँ, तो इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव लाइक आस्किंग क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। सो ये यस, इंटेरोगेटिव क्यों लग रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन? ये जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है ना, वो अलग है। जो सेंटेंस, ये जो कॉमास दिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास, इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। ये और प्लीज से पहले जो है और कीज के बाद जो है, बस यहाँ तक है ये सेंटेंस। ठीक है, इज विच टाइप ऑफ ठीक सेंटेंस, ये तो क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट यहाँ तक है। सो प्लीज हेल्प मी फाइंड माई कार कीज, ये हाँ कौन सा मैम, होगा ये सेंटेंस? इम्पेरेटिव होगा। हाँ, इम्पेरेटिव क्यों, इसमें सेंटेंस। क्या हो रहा है? वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर देम टू हेल्प अस। फॉर समवन टू, हाँ या ठीक है, टू हेल्प द पर्सन फाइंड हिज और हर कार कीज। कार ओके, केस। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइंटेलिजिबल? अनइंटेलिजिबल क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किया था कल। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। वेरी गुड। समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इज नोन एज अनइंटेलिजिबल। जो चीज समझ ना आए, दैट इज अनइंटेलिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीवर्ट? एम्बीवर्ट क्या होता है? Someone who is both introvert and extrovert. ओके, सलमान, व्हाट वर यू सेइंग? यस मैम, समवन हु इज एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट बोथ। हाँ, ओके, सो इसको हम ऐसे बोलेंगे, दोनों दोनों इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये तो ऑपोजिट्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को इंसान दोनों एक ही टाइम पर हो। सो हम ऐसे करके बोलेंगे कि अ पर्सन हु इज समटाइम्स पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ एन इंट्रोवर्ट एंड समटाइम्स पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट। तो कभी इंट्रोवर्ट है और कभी एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि हम दोनों चीज एक टाइम पर नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एम्बीवर्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज प्रेपोजिशंस थोड़ा डिटेल में करेंगे, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। प्रेपोजिशन क्या होता है? मैम, प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नॉन या प्रोनाउन के रिलेशन को वर्ड्स सेंटेंस के वर्ड्स से बताए कि इसका इस नाउन का इस प्रोनाउन का क्या रिलेशन है इस वर्ड्स से। ठीक है, वेरी गुड। सो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है विद सम अदर थिंग? ठीक है, तो किसी और चीज से एक नाउन और एक प्रोनाउन का क्या रिलेशन है उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं।
ठीक है. सो द मेन थिंग इज दैट इट शोज आइदर लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, कॉज, पोजेशन या पोजिशन. तो किसी भी चीज का कोई लोकेशन बता दी, डायरेक्शन बता दिया, जो भी वर्ड्स ये सारी चीजें बताते हैं उनको प्रेपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू, ऑन, अंडर, इन, ऑफ, बिलो, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए प्रेपोजिशन के. ठीक है, मैं बोलू देयर इज अ काउ इन द गार्डन, तो इसमें किन दो चीजों का रिलेशन बता रहा है? इन जो वर्ड है यहाँ पे, इन नाउन प्रेपोजिशन और है. द गार्डन का काउ एंड द गार्डन वेरी गुड. काउ और गार्डन का रिलेशन बता रहा है वर्ड इन, तो इन जो हो जाएगा प्रेपोजिशन हो जाएगा. वेरी गुड. आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, यहाँ पे क्या रिलेशन है? स्कूल और मंडे तो यहाँ पर पहले में आई और स्कूल होगा कि मैं कहाँ गया, मैं स्कूल गया. तो पहले टू जो वाला प्रेपोजिशन है वो आई और स्कूल के बीच का रिलेशन बता रहा है कि मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल. फिर सेकेंड ऑन जो है, सेकेंड प्रेपोजिशन जो है जो कि ऑन है, वो रिलेशन बता रहा है किसमें? मंडे मंडे मंडे. एग्जैक्टली, कि कब गया वो? मंडे को गया, ऑन मंडे. वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो इसमें गर्ल एंड म्यूजिक वेरी गुड, गर्ल एंड म्यूजिक के बीच में रिलेशन दिखा रहा है कि गर्ल को म्यूजिक पसंद है. ठीक है. अच्छा, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक में वर्ब क्या है? वर्ब है कोई? फॉन्ड 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 एंड इज ओके, वेरी गुड. तो इज कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब है. एंड फॉन्ड कौन सा है? वर्ब वेरी गुड, मेन वर्ब. ठीक है, ओके. चलो, नाउ वी लुक एट सम प्रेपोजिशन, इनके कैसे कहाँ पे यूज करते हैं प्रेपोजिशन को. एट, इन, बाय, विद, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, ये सब में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल हम बिटवीन यूज करेंगे या अमंग यूज करेंगे. सो हम वो सब देखेंगे कि कब कौन सा प्रेपोजिशन कैसे यूज करना है कहाँ पर. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज एट एंड इन. सो एट इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. इन इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ बिग सिटीज, प्रोविंसेस एंड कंट्रीज. सो एट जो है छोटे शहरों के लिए, छोटे गांव के लिए, जो भी छोटी जगह है कोई, उसके लिए हम एट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर लिव्स एट गाजियाबाद. हम इन गाजियाबाद नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि गाजियाबाद एक छोटा टाउन है. ठीक है. मैं बोलूंगी आई लिव एट जामिया, आई लिव और क्या होता है, आई लिव एट जसोला, आई लिव एट न्यू फ्रेंड्स शाइन बाग कॉलोनी. हाँ, शाहीनबाग. क्यों? क्योंकि ये सब छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं, छोटी जगह है, इसलिए एट यूज करेंगे. इन ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड जब हम किसी बड़े शहर की बात कर रहे हैं, किसी बड़ी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं. कंट्री हो गया, प्रोविंस हो गया, सिटी हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन मुंबई. अब मुंबई तो बहुत बड़ा है, तो हम उसके लिए इन यूज करेंगे. आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, एट इज ऑल्सो यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इन इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स. सो फॉर एग्जाम्पल, ही विजिटेड मी एट 3 PM यस्टरडे. सो ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है कि किस पॉइंट पे मिला. ठीक है, वो एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है मुझे कि फलाने ने ही विजिटेड मी एट 3 PM. तो 3 PM एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिस पॉइंट पे उसने मुझे विजिट किया कल. तो हेंस वी विल यूज द प्रेपोजिशन एट. इन, आई वॉज बॉर्न इन नवम्बर इन 1972. यहाँ पे दो बार इन आ रहा है,
या तो ये एक मंथ के लिए यूज हो रहा है और एक बार ईयर के लिए यूज हो रहा है। तो जब भी मंथ और ईयर की बात होती है तो हम इन यूज करते हैं। ठीक है, माय बर्थडे कम्स एट जनवरी बोलूंगी या माय बर्थडे कम्स इन जनवरी? कम्स एग्जैक्टली, कम्स इन, वेरी गुड। ठीक है, देन एट इज ऑल्सो यूज टू शो द रेट्स ऑफ प्राइसेस। प्राइसेस का मुझे अगर रेट बताना है कि क्या चीज कितने की है, उसके लिए भी एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीट इज बींग सोल्ड एट ₹10 per kg। तो इसे मैं रेट बता रही हूँ कि भाई गेहूं जो है वो ₹10 per kg के हिसाब से बिक रहा है। सो आई विल यूज द प्रपोजिशन एट हियर ऑल्सो। नेक्स्ट इज बाय एंड विद। बाय इज यूज आफ्टर वर्ब इन द पैसिव वॉइस टू एक्सप्रेस द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन। विद इज यूज विद द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन। तो बाय जो है वो वर्ब के बाद यूज हो रहा है, एजेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या डूअर को, जो एक्शन कर रहा है, जो काम करने वाला है, जो डूअर है एक्शन का, जो एक्शन कर रहा है उसके लिए बाय यूज होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जा रहा है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई इंस्ट्रूमेंट हो, बट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई टूल है जिससे कोई एक पर्टिकुलर एक्शन किया जा रहा हो, उसके लिए हम विद यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी इजी। द लाइन वॉज किल्ड बाय द हंटर। हंटर क्या है? डूअर है ना हंटर? सो उसके लिए हम बाय यूज करेंगे। फिर द फार्मर कट द क्रॉप्स विद अ रीपर। सो रीपर जो है, रीपर क्या होता है, किसी को पता है? रीपर क्या होता है? ओके, इंस्ट्रूमेंट तो होता है पर क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? ओके, काटने। ओके ठीक है। हाँ, सो एक बेसिकली जो वो होती है, आई डोंट नो रीपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट जैसे एक्स होती है, एक्स तो पता होगा। तो एक्स में थोड़ा अगर उसको थोड़ा कर्व में कर दो, उसका जो पॉइंट होता हाँ है। मैम पता है, अच्छा हाँ, सो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं हाँ, क्या बोलते हैं? हसुआ बोलते हैं उसको, जो फार्मर लोग होते हैं किसान उसे उसे अच्छा, कटाई करते हैं। हाँ, सो तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है। देन फार्मर्स जैसे यूज करते हैं, जैसे कि सेंटेंस में लिखा है टू कट द क्रॉप्स, देन ग्रास को कट करने के लिए भी वो यूज होता है। सो ऑब्वियसली उस तरह से डिजाइंड होगा। सो सिंस दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो हम उसके साथ विद प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बाय ऑल्सो डिनोट्स नियरनेस इन प्लेस ऑफ टाइम एंड मैनर इन विच एन एक्शन इज डन। सो बाय जो है वो क्या भी डिनोट करता है? नियरनेस इन प्लेस ऑफ टाइम, कि टाइम कितना करीब आ रहा है किसी चीज के, जिस वक्त एक एक्शन किया जा रहा हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, विल यू सिट बाय मी? तो इसका क्या मतलब है, इसमें क्या डिनोट हो रहा है? नेक्स्ट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो विल यू सिट बाय मी, ये मेरे साइड में बैठोगे, यानी इसमें नियरनेस डिनोट हो रही है कि भाई मेरे पास बैठोगे या नहीं। देन नेक्स्ट वन इज यू विल हैव टू फिनिश दिस टास्क बाय मॉर्निंग। तो अगेन ये नियरनेस, टाइम की नियरनेस दिखा रहे हैं कि भाई सुबह तक
ये काम खत्म करना है. सो यू विल हैव टू फिनिश दिस टास्क बाय मॉर्निंग. यू विल हैव टू फिनिश वर्कशीट नंबर 1 बाय टुनाइट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड बाय नेक. ठीक है. क्रिमिनल जो है उसको कैसे हैंग किया गया? बाय नेक से. जो फांसी लगाई जाती है वो गर्दन पे पहनाई जाती है ना. तो इसमें क्या दिखा, इसमें क्या डिनोट हो रहा है? इसमें डिनोट हो रहा है मैनर, डिनोट हो रहा है कि किस मैनर में एक एक्शन किया गया. तो एक्शन था फांसी लगाने वाला एंड वो एग्जैक्टली गले से किया था. सो बिकॉज दैट इज बींग डिनोटेड तो हम बाय प्रपोजिशन यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज यस एग्जैक्टली तरीका. नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन. ऑन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट. अपॉन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स इन मोशन. वेरी इजी. ऑन हम तब यूज करेंगे जब कुछ चीज रेस्ट पर हो. अपॉन तब यूज करेंगे जब कोई चीज मोशन में. फॉर एग्जाम्पल द कैट स्प्रैंग अपॉन द माउस. अब इसमें मोशन में था, ऑब्वियसली मोशन में था ना. चूहा तो मोशन में था, चूहा भाग रहा होगा, वो खड़ा तो रहेगा नहीं जब बिल्ली आ रही है. तो अच्छा स्प्रैंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रैंग? झपट्टा मारना, उसकी yes, ओर कूद पड़ना. वेरी गुड. किसी की ऊपर एकदम से कूद जाना, जैसे बिल्ली झपट्टा मारती है चूहे पे. ठीक है. द कैट स्प्रैंग अपॉन द माउस. ठीक है. तो ये मोशन में था क्योंकि चूहा, इसलिए हम अपॉन यूज करेंगे. द फ्रेंड्स सैट ऑन द सोफा. अब सोफा तो हिल नहीं रहा, सोफा तो चलता नहीं रहता, सोफा तो अपनी जगह रहता है, एक ही जगह रहता है. तो इसलिए हम ऑन यूज करेंगे क्योंकि वो रेस्ट पर है. ओके. नेक्स्ट इज इन और इन टू. इन इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन साइड एनीथिंग where someone or something already is. Into denotes motion towards the inside of anything, going from one place to another. So in हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो लेकिन वो ऑलरेडी हो पहले से. Into हम तब डिनोट करते हैं, तब यूज करते हैं जब कोई चीज दूसरी चीज के अंदर जा रही हो या going from one place to another. ठीक है. एक location से दूसरे location में जा रही हो. So when I say he jumped into the river, तो वो जा रहा था, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था जो कि motion में थी. ठीक है. When I say the birds are flying in the sky, तो वो already है sky में, इसलिए मैं in use करूंगी क्योंकि चिड़िया already उड़ रही है आसमान में. But चिड़िया लिटरल सेंस में ऑब्वियसली आसमान के अंदर नहीं है चिड़िया. बट हम जब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि क्योंकि वो इम्प्लाई कर रहा है ऐसा कि आसमान के अंदर है चिड़िया. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. आई एम अज्यूमिंग यस. नेक्स्ट इज इन विद इन. In implies at the end of some future period. ठीक है. In जो है तब हम use करते हैं जब हम किसी future period के end की बात कर रहे हो. Within means before the end of. अब examples देखो. I shall return in a month. इसका मतलब है at the close of the month. I shall return in a month. What does this mean? In क्यों आ रहा है? मंथ के लास्ट लास्ट तक वो आ जाएगा या मैं आ जाऊंगा. आई शैल रिटर्न इन अ मंथ का मतलब है कि मंथ के लास्ट तक आ जाएगा. नो मैम, मतलब आपने बोला कि इनका क्या रिलेशन. हाँ. सो आई एम, अच्छा आई एम आस्किंग कि इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा. व्हेन आई से आई शैल रिटर्न इन अ मंथ, तो इसका क्या मतलब है कि क्या कहना चाह रहा है वो, कब तक वापस आएगा? इस महीने के एक मंथ में. यस मैम, एक मंथ में मैं आ जाऊंगा रिटर्न वापस. अच्छा. ओके ओके. अरीबा व्हाट वर यू सेइंग?
मैम वन मंथ के अंदर आ जाएगा ये आई शैल लेट मी नो मैम ओके देखो जब हमें बोलना हो कि एक महीने के अंदर अंदर आ जाऊंगा तब हम विद इन यूज करते हैं ठीक है सो अगर मैं बोलूं आई शैल रिटर्न विद इन अ मंथ यानी कि एक महीने के अंदर अंदर आ जाऊंगा जो कि नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल रिटर्न विद इन अ वीक यानी कि इन लेस देन अ वीक यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा वो एक महीने एक हफ्ता पूरा नहीं होगा बट व्हेन आई से आई शैल रिटर्न इन अ मंथ यानी कि एट द क्लोज ऑफ द मंथ अब वो एक महीने का पूरा पीरियड होगा तब वो वापस आएगा अब ये हो सकता है कि अगर एक महीने में 30 डेज होते हैं तो हो सकता है वो 28 डेज 29 डेज पर आ जाए तो जब 28 29 जब वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज ऑफ द मंथ जब महीना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा उस चीज को भी हम एक पूरा महीना ही कंसिडर करेंगे इसलिए हम इन यूज कर रहे हैं सो व्हेन आई से आई शैल रिटर्न इन अ मंथ यानी कि एक महीने का ड्यूरेशन तो रहेगा अब वो 30 का 28 29 हो सकता है बट मोर ऑर लेस वो एक महीना ही रहेगा एंड व्हेन आई से विद इन यानी कि अगर आई से विद इन अ मंथ यानी कि एक महीने के अंदर अंदर या मतलब एक महीने से ज्यादा नहीं होगा या एक महीना नहीं होगा पूरा ओके नेक्स्ट इज इन एंड आफ्टर इन इज यूज्ड टू डिनोट एट द एंड ऑफ अ पीरियड इन द फ्यूचर आफ्टर इज यूज्ड टू डिनोट एट द एंड ऑफ अ पीरियड इन द पास्ट सो ही विल कम इन अ मंथ अगेन ये हमने अभी देखा था लास्ट वाले स्लाइड में कि वो एक महीने के अंदर आ जाएगा ये फ्यूचर की बात हो रही है तो हमने इन यूज किया ही केम आफ्टर अ मंथ तो अगर जब मैं फ्यूचर की बात कर रही थी तो मैं बोलूंगी कि हाँ वो एक महीने में आएगा बट समझ लो वो आ चुका है और अब मैं पुरानी बात याद करके बोल रही हूँ ही केम आफ्टर अ मंथ यानी कि वो एक महीने बाद आया तो जब मैं पास्ट के बारे में बात करने लगी तो मैंने आफ्टर यूज किया जब मैं फ्यूचर के बारे में बात करी तो मैंने इन यूज किया ओके नेक्स्ट इज सिंस फॉर फ्रॉम सिंस इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फॉर इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट सॉरी इन द प्रेजेंट और द पास्ट फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock यानी कि वो 6 बजे से खेल रहा है ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours यानी कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिंस और फॉर में कौन बताएगा क्योंकि मैम फर्स्ट सेंटेंस में एक सर्टेन टाइम बताया 6 o'clock बट सेकंड सेंटेंस में उसने सिर्फ बोला कि 2 घंटा उसने टाइम नहीं बताया कि क्या टाइम था क्या सिर्फ घंटा बताया कि 2 घंटा वो पढ़ रहा था यस वेरी गुड एक कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया सो यही डिफरेंस है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में तो जहां पे भी पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है वहां पे फॉर आ रहा है पीरियड ऑफ टाइम क्या है 2 hours है वो एक पीरियड हो गया यहाँ भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी बट जब मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट की भाई 6 बजे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है तब उस केस में सिंस आएगा ठीक है ओके नेक्स्ट इज ओके फ्रॉम ऑल्सो डिनोट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम बट इज प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन एनी टेंस मतलब यू विल अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल्स इट रेन्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग यानी कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तो बता रहा है लेकिन इट इज बीइंग प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन सम टेंस ठीक है मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ समझ लो मॉर्निंग से बारिश स्टार्ट हुई अब वो प्रिसीड हो रही है ठीक है वो अभी तक चल रही है वो आगे बढ़ गई है मॉर्निंग से स्टार्ट हुई इवनिंग तक चल रही है सो इस केस में मैं मॉर्निंग से पहले मैं फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करूंगी सो इट रेन्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सेकेंड एग्जाम्पल इज आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज फ्रॉम टुमारो फॉर 10 days तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ जो कि आगे जाके प्रोसीड हो रहा आगे जाके बढ़ रहा कि कल ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है कल से क्या होगा तो तभी भी फ्रॉम प्रपोजिशन आएगा सुबह से शाम तक बारिश हुई यानी कि सुबह ऑनवर्ड्स
तो यहाँ इन केसेस में भी हम फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करेंगे. नेक्स्ट इज टिल मीन्स अप टू और नॉट अर्लियर देन. बाय मीन्स नॉट लेटर देन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई शाल वेट फॉर यू टिल 9 PM. मैं तुम्हारा वेट करूंगा 9 बजे तक. ठीक है, इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट में लिखा है अप टू 9 PM. व्हाट डज दिस मीन? मतलब मैं 9 बजे तक ही इंतजार करूंगा, उसके उसके बाद नहीं करूंगा 9 PM तक ही. ओके, वेरी गुड. यानी कि आई शाल वेट फॉर यू टिल 9 PM के भाई 9 बजे तक मैं वेट करूंगा. यानी कि ये सबसे मैक्सिमम टाइम बता दे कि नॉट अर्लियर देन. इसका क्या मतलब होगा कि 9 बजे से पहले तक नहीं, मैं 9 बजे तक ही वेट करूंगा. डज दैट मेक सेंस? लास्ट वेटिंग टाइम. यस, लास्ट वेटिंग टाइम. ओके, नेक्स्ट इज बाय इफ यू डू नॉट टर्न अप बाय 6 PM आई शाल लीव द प्लेस. इसका क्या मतलब है कि नॉट लेटर देन, कि 6 बजे से ज्यादा देर तक नहीं करूंगा मैं वेट. ठीक है, टिल का मतलब है उससे पहले पहले तक नहीं, और बाय का मतलब है उसके बाद नहीं. ओके, सो इफ यू डू नॉट टर्न अप बाय 6 PM 6 बजे तक अगर नहीं आए तुम, देन आई शाल लीव द प्लेस. हाँ ओके, इंतजार ज्यादा नहीं करूंगा. यस, गुड. ओके, नेक्स्ट इज बिफोर एंड फॉर. बिफोर इज यूज टू डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम. फॉर एग्जाम्पल आई शाल नॉट रीच होम बिफोर 6 o'clock. यानी कि मैं 6 बजे से पहले तक घर नहीं पहुंचूंगा. तो ये अगेन ये पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट कर रहे हैं, विच इज 6 o'clock. ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फिर मैं बिफोर प्रेपोजिशन यूज करूंगी. ऑन द अदर हैंड फॉर इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ फ्यूचर टाइम. यानी कि आई शाल नॉट बी एबल टू सिट फॉर एन आवर. यानी कि मैं 1 घंटे तक नहीं बैठ सकता. राइट, आई शाल नॉट बी एबल टू सिट फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे तक नहीं बैठ सकता, एक फ्यूचर का टाइम बता रहा है कि भाई अगर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे तक नहीं बैठा रहूंगा. या फिर अगर किसी से मिलने जाना है तो भाई मैं 1 घंटे तक नहीं बैठा रहूंगा. आई शाल नॉट बी एबल टू सिट फॉर एन आवर. मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा. तो यहाँ पे फॉर आएगा क्योंकि फ्यूचर के टाइम की बात कर रहा है. अभी तक किया नहीं है ना वो वेट या मिलना या जो भी है, जो भी चीज करना है 1 घंटे तक, वो पहले से बता रहा है कि भाई फ्यूचर में मैं 1 घंटे तक नहीं कर पाऊंगा. सो इसलिए फॉर यूज होगा. नेक्स्ट इज बिटवीन एंड अमंग. अच्छा, बिटवीन इज यूज फॉर 2 persons और थिंग्स एंड अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2. ठीक है, तो जब हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं या 2 चीजों की बात कर रहे हैं, कुछ भी 2 है, तो हम तब बिटवीन यूज करते हैं. बट जैसे ही 2 से ज्यादा हो गया तो हम अमंग यूज करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वंस अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द 2 brothers. तो यहाँ पे 2 भाई हैं, 2 brothers हैं, तो फिर मैं बिटवीन यूज करूंगी. द चिल्ड्रन आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्फ. अब यहाँ पे चिल्ड्रन है. ठीक है, चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं. चिल्ड्रन 2 भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन 3 भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन 4 भी हो सकते हैं. बट क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने हैं, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है, सो हम अमंग यूज करेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, हमने कल डिस्कस किया था ना क्वारल मतलब क्या होता है. क्या होता है क्वारल मतलब? झगड़ा. ओ एग्जैक्टली, वेरी गुड. बहस करना.
क्वारल मतलब होता है बहस करना. सो द चिल्ड्रन आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्फ, मतलब वो आपस में ही बहस कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं. वंस अ डिस्प्यूट, अच्छा डिस्प्यूट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट? झगड़ा. यस वेरी गुड, झगड़ा, कोई भी किसी बात पे लड़ना, किसी बात पे आर्ग्यू करना, दैट इज डिस्प्यूट. कि भाई इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गई, यानी कि इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया, हाँ लड़ाई हो गई, ठीक है, लाइक दैट. ओके देन कम्स बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, एंड बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू. फॉर एग्जाम्पल शी सैट बिसाइड हर मदर, यानी कि बिसाइड यानी कि बाय द साइड ऑफ, कि किसी के साइड में बैठ जाना, तो वो अपनी मम्मी के साइड में बैठ गई, इसलिए आई विल यूज बिसाइड. बिसाइड्स कब आएगा? व्हेन आई से इन एडिशन टू. सो बिसाइड्स बीइंग फाइंड ही वाज इम्प्रिजन्ड, इसका क्या मतलब है सलमान? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? हाँ वेरी गुड. हम बोलते हैं ना ऐसे ऑन टॉप ऑफ दैट, या उसके बावजूद, यानी कि फाइन तो हुआ ही हुआ उसे, बिसाइड्स बीइंग फाइन, फाइन तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, इन एडिशन टू बीइंग फाइन ही वाज आल्सो इम्प्रिजन्ड, उसे फाइन भी हुआ और उसे जेल भी हुई. ओके नेक्स्ट इज टू. टू इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन, डेस्टिनेशन एक्सेट्रा. सो टू हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई डायरेक्शन या इंडिकेशन, या हम कहीं लोकेशन, किसी लोकेशन पे जा रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन है वहां जा रहे हैं, वो सब इंडिकेट करने के लिए भी टू यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल शी इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द नॉर्थ. कोई डायरेक्शन है, कोई लोकेशन है, कोई डेस्टिनेशन है जहां पे हम जा रहे हैं, सो यहाँ पे भी टू प्रेपोजिशन यूज होगी. नेक्स्ट इज ऑफ. ऑफ इंडिकेट्स पार्ट, ओरिजिन, रिलेशन एक्सेट्रा, ये सब चीजें. सो फॉर एग्जाम्पल आई से गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, तो पेपर हो गया, उसका एक पार्ट दे दो. जब हमें पार्ट, एक पेपर का एक पार्ट चाहिए मुझे, सो उसको डिनोट करने के लिए भी आई यूज ऑफ. तो गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा दे दो मुझे. ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, इसका क्या मतलब है, क्या बता रहा है ये? क्या बता रहा है ये? ओके उस हम खानदान रिलेशन से. बता रहे हैं. ओके इट इज मोर ऑफ ओरिजिन, थोड़ा ओरिजिन बता रहा है कि वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है. सो ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, यानी कि उसका ओरिजिन जो है वो एक अमीर फैमिली से, एक रिच वेल ऑफ फैमिली से है, रिच फैमिली से है, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज करेंगे. ओके Now we have some questions, which is so you have to choose the right answer. This building comprises dash 60 rooms. क्या होगा? ऑप्शन ओके यस ऑप्शन डी. यस वेरी गुड. सो ओ एफ वाला ऑफ आएगा. दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 60 रूम्स. नेक्स्ट इज शी ऑलवेज रन शॉर्ट डैश मनी. ओके सलमान से सही. रन शॉर्ट ऑफ मनी होगा. सो ऑप्शन ए शी ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ मनी. व्हाट डज दिस मीन टू रन शॉर्ट ऑफ मनी? व्हाट डज दिस मीन?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू रन शॉर्ट ऑफ मनी? कम पैसे होते हैं, पैसे ना होना, कम पैसे होना. यस, वेरी गुड. तो यानी कि रन शॉर्ट ऑफ मनी मतलब मेरे पास हमेशा कम पैसे रह जाते हैं, कुछ भी मुझे करना हो मेरे पास उतने पैसे होते ही नहीं कि मैं वो काम कर लूं. सो आई ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ मनी. यहाँ पे शी ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास कभी पैसे ही नहीं होते कुछ करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश मी विद. ओके, अरीबा सेज विद, सलमान सेज फॉर. शुएब सेज विद. ओके ओके, हाँ सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी. जब हम अफेक्शन की बात कर रहे हैं कि किसी को किसी की तरफ अफेक्शन है तो हम फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हैं. व्हाट डज अफेक्शन मीन? अफेक्शन मतलब क्या होता है? मैम किचा अट्रैक्शन. ओके, अट्रैक्शन होना, प्यार केयर लगाओ. वेरी गुड. हाँ, किसी को पसंद करना. ठीक है, सो शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, यानी कि वो मुझे उसके पास बहुत ज्यादा पसंद करती है बेसिकली मुझे. सो शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी. ठीक है, नेक्स्ट इज आई विल बी डैश अ लॉस इन दिस डील. बताओ, आई विल बी डैश अ लॉस इन दिस डील. What happened? Then be on. क्या? On. Okay, be on. ठीक है, आई विल बी ऑन अ लॉस इन दिस डील. ओके, सलमान सेज सी. अच्छा, स्क्रीन इज विजिबल राइट? ओके, आई विल बी सी एट. ओके 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 okay, हाँ, so the correct answer for this one will be option C, at. I will be at a loss in this deal. हम loss की बात कर रहे हैं. In this context, हम हमेशा बोलते हैं कि किसी loss के बारे में बात हो रही है, specially in related to some deal or something. तो हम उसके लिए at preposition use करते हैं. The company is going at a loss. The company had the company will be facing will be at a loss agar usne kuch kiya whatever. theek hai, so loss ke liye at preposition use hota hai. जो अब हम डील वाले लॉस के बारे में बात करें, किसी को खो देने वाले लॉस के बारे में नहीं. सो आई विल बी एट अ लॉस इन दिस डील. द लास्ट वन इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक डैश इन 1993.
ओके सलमान से सी ओके द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1993 होगा डज एवरीवन एल्स अग्री रहनुमा सलमान शोएब अरिबा नजीर अच्छा सलमान ने बोल दिया बाकी बोलो ओके यस द करेक्ट प्रपोजिशन विल बी द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1993 ब्रोक आउट मतलब क्या होता है what is the meaning of broke out टूट जाना क्या करना टूट जाना मैम टूट जाना टूट जाना बोला मैम यहाँ पर ब्रोक आउट की मीनिंग है कि तब स्टार्ट हुआ था ओके सो तो मैं अच्छा अरिबा मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि द ग्लास ब्रोक आउट मतलब अगर ब्रोक आउट हाँ तो टूट जाना अगर होता है ब्रोक आउट मतलब तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि द ग्लास ब्रोक आउट ब्रोक आउट मतलब होता है कोई चीज एकदम से इमर्ज होना ठीक है इमर्ज यू अंडरस्टैंड एकदम से आ जाना तो कोई चीज जब एकदम से सडनली आ जाती है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो एक्सपेक्टेड नहीं थी ठीक है वो एकदम से हो गई एग्जैक्टली हाँ अचानक से आ गई तो सडनली आ गई ठीक है कुछ पहले से प्लानिंग तो होती नहीं कि हाँ चलो 1993 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करेंगे हम ऐसे तो हुआ नहीं था सो एकदम से आया था सो तब हम यूज करते हैं ब्रोक आउट या ब्रेक आउट अगर प्रेजेंट में बात करें ओके नेक्स्ट वन इज यू टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स सो आई हैव बीन वेटिंग टू मीट माय फ्रेंड फ्रॉम 2015 सो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसे रिप्लेस करना है विद द करेक्ट ऑप्शन ओके सलमान से सी यस ओके वेरी गुड सो हा यस सी इज द करेक्ट आंसर सिंस 2015 सो मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए सिंस 2015 से मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए Yes, इंतजार कर रहा हूँ गुड नेक्स्ट इज द मैनेजर इज गोइंग टू प्रिसाइड टू द मीटिंग यहाँ पे प्रिसाइड टू को हमें करेक्ट करना है ऑप्शन डी ओके नजीर सेज डी डी सलमान सेज डी प्रेसाइड इनटू ओके
श्री वॉज अ सेल्फ सी. ओके, प्रेसाइड इनटू जो है वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है. सो हम प्रेसाइड इनटू नहीं बोलते, ठीक है हम. ओके, अरीबा से सी प्रेसाइड ऑन, प्रेसाइड ऑन भी नहीं होता, ठीक है. हम बोलते हैं प्रेसाइड इन द मीटिंग. नहीं, इन भी नहीं. प्रेसाइड द मीटिंग. नो 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 नो, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रेसाइड ओवर. जब प्रेसाइड ओवर मतलब होता है जब हम बोल रहे हो कि जैसे कोई जब कोई किसी चीज का चार्ज लेता है, ठीक है. जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस में है कि द मैनेजर इज गोइंग टू प्रेसाइड ओवर द मीटिंग, यानी कि मैनेजर जो है नाउ ही इज गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ द मीटिंग. सो यहाँ जब हम चार्ज शो करते हैं कि कोई किसी चीज का चार्ज ले रहा होता है तब हम प्रेसाइड ओवर बोलते हैं. प्रेसाइड प्रेसाइड एट द मीटिंग भी यूज होता है. ये कभी किसी कभी सुना होगा, हो सकता है द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू प्रेसाइड एट द मीटिंग. तो प्रेसाइड एट भी यूज होता है, लेकिन सिंस एट ऑप्शन में नहीं है सो प्रेसाइड या तो हम प्रेसाइड एट बोलते हैं या प्रेसाइड ओवर बोलते हैं, ठीक है. ओके, ठीक है, इज इट क्लियर. नेक्स्ट इज हाँ, योर वर्ड ऑफ द डे विच इज फेलिसिटी. फेलिसिटी मतलब क्या होता है, गेस करो. ये जो पिक्चर है साइड में वर्ड की, दैट इज यूज इट एज अ हिंट. तो जो वर्ड का मीनिंग है उसी से रिलेटेड है वो पिक्चर. हैप्पीनेस. Happiness, okay, very good. Happy, excited, cheerful, very good, very good, very good. So felicity का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है. क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, I don't know. So basically बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा level पे, बहुत ज़्यादा अच्छे level, बहुत ज़्यादा level पे. अच्छे लेवल, बहुत ज्यादा उत्साहित होना मैम. हाँ, उत्साहित मतलब खुश ना. यस, मतलब हम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होना. अच्छा, तो वो नहीं होगा एक्साइटमेंट. हाँ, एक्साइटमेंट थोड़ा सा अलग हो गया हैप्पीनेस से, बट हाँ सिमिलर है. लेकिन फेलिसिटी वर्ड का मतलब हैप्पीनेस से ज्यादा रिलेटेड होता है, ठीक है. ओके मैम. तो ओके, मुझे अब ऐसा करो एक सेंटेंस बना के दिखाओ इस वर्ड से, फेलिसिटी से. ट्राई मेकिंग अ सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड फेलिसिटी. टेक योर टाइम.
क्या लिखा है? ओके, सलमान हैज रिटन आई फील फेलिसिटेटेड टुडे. अच्छा, फेलिसिटेट का मतलब थोड़ा अलग होता है. फेलिसिटेट का मतलब थोड़ा मुबारकबाद देने से हो जाता है. ठीक है, सो आई फील फेलिसिटेट मतलब होता है हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना. ठीक है, सो आई कैन नॉट से आई फील कॉन्ग्रेचुलेट टुडे या आई फील कॉन्ग्रेचुलेटेड टुडे. दैट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. सो फेलिसिटी वर्ड यूज ट्राई करो. शोएब ने सेंटेंस बनाया आई फेलिसिटी फॉर नाउ. आई फेलिसिटी फॉर नाउ का क्या मतलब होगा? इसमें तो कुछ मिसिंग सा लग रहा है थोड़ा. फिर से देखो. आई एम होगा मैम. आई एम भी कैसे होगा? ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फेलिसिटी जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव. नो, फेलिसिटी एडजेक्टिव नहीं है. फेलिसिटी क्या होगा? वर्ब. नो, फेलिसिटी मतलब क्या बताया था मैंने? खुशी ना. खुशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा खुशी. खुशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मैम. नाउन है. यस यस यस. खुशी इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज अ नाउन. हैप्पी इज एन एडजेक्टिव. सो आई एम हैप्पी. आई एम, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी आई एम हैप्पीनेस. मैं आई एम हैप्पीनेस नहीं बोलूंगी. मैं बोलूंगी आई एम हैप्पी. लेकिन हैप्पी तब एडजेक्टिव होगा. So, मैं आई एम के साथ नाउन थोड़ी लगाऊंगी. सिमिलरली आई एम फेलिसिटी नहीं बोलूंगी मैं. सो अभी ये एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज करना. ये वर्ड एक नाउन की तरह यूज करना. सो कैसे नाउन की तरह कैसे यूज करोगे? सारा फैसिलिटी हैड नो लिमिट्स ऑन हर वेडिंग डे. ओके, इसमें बस सारा के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाओगी. साराज फेलिसिटी. सारा फेलिसिटी नहीं, साराज फेलिसिटी. यानी कि सारा की हैप्पीनेस जो है हैड नो लिमिट्स ऑन हर वेडिंग डे. दैट इज अ वेरी गुड सेंटेंस. बस इसको साराज करना है. ठीक है, सारा अपोस्ट्रॉफी एस. वेरी गुड. चिल्ड्रन लुक फेलिसिटी टुडे. नो सलमान, चिल्ड्रन लुक फेलिसिटी टुडे कैसे होगा? ये तो चिल्ड्रन लुक हैप्पीनेस टुडे. ये फिर से एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया. चिल्ड्रन लुक हैप्पी टुडे होगा ना. चिल्ड्रन लुक हैप्पीनेस टुडे नहीं होगा. सी द फेलिसिटी ऑन हिज फेस. यस, दिस इज करेक्ट. See the felicity on his face. उसके चेहरे पे उसकी खुशी देखो. उसके चेहरे पे उसकी happiness देखो. Very good. So इसीलिए it is important to try using these sentences on your own. Try making sentences out of these words. Also जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका ध्यान रखना कि नाउन है तो नाउन की तरह यूज करना है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह यूज करना. ठीक है, बस बाकी सब तो ठीक है. सो हाँ, विद दैट वी आर डन विद टुडेज क्लास एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड.